तो नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आप देख रहे हैं हमारा पैथलैब चैनल, मेरा नाम है मनीष कुमार। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हेपेटाइटिस बी वायरस के बारे में, यानी कि हेपेटाइटिस का जो टेस्ट है वो क्यों कराया जाता है, उसका प्राइस क्या है, उसके लिए कौन सा सैंपल चाहिए और हेपेटाइटिस किन किन कारणों से होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कर दें। हमारे चैनल पर काफ़ी सारे ब्लड टेस्ट से रिलेटेड वीडियो हैं जो आप जाके देख सकते हैं। उस पर आपको ब्लड टेस्ट, जॉब से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगे जो आपके काफ़ी काम की हैं। तो चलिए आज का जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हेपेटाइटिस बी वायरस यानी कि HBSAG, इसका जो टेस्ट कोड है S056 इसका टेस्ट कोड है। इसका नाम है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, जिसको ऑस्ट्रेलियन एंटीजन भी कहा जाता है। अब सबसे पहले कि ये क्यों कराया जाता है, देखिए आपके लीवर में कोई प्रॉब्लम है, यानी कि लीवर डिसऑर्डर है, लीवर में कुछ आपको जॉन्डिस हो रहा है बार बार, तो डॉक्टर को जो है लगता है कि आपको हेपेटाइटिस तो नहीं हो गया, उसके लिए आपका हेपेटाइटिस टेस्ट कराया जाता है। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको भूख कम लगती है, आपको जॉन्डिस रहता है, वॉमिटिंग आती हैं, तो उसके लिए ये जो हेपेटाइटिस का जो है टेस्ट कराया जाता है। अब ये क्यों होता है, कई बार क्या होता है कि हमारा इन्वायरमेंट चेंज होता है, हम अपने जो होम टाउन से कहीं बाहर जाके रहने लगते हैं और वहाँ का जब पानी यूज़ करते हैं तो कई बार क्या होता है कि हमें जॉन्डिस, वो पानी सूट नहीं करता, उस कारण हमें जो है जॉन्डिस हो जाता है। और काफ़ी लंबे टाइम तक अगर जॉन्डिस रहता है तो आपको हेपेटाइटिस होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं, तो इसलिए आपका जो हेपेटाइटिस टेस्ट वो है कराया जाता है। अब दूसरा कारण क्या होता है कि ब्लड आपको चढ़ाया गया है, यानी कि आपको ब्लड की रिक्वायरमेंट है, तो कई बार जो पहला पेशेंट था वो कंटेमिनेट था हेपेटाइटिस बी से, आपको बिना टेस्टिंग के ब्लड चढ़ा दिया गया, तो उस कारण भी आपको हेपेटाइटिस हो सकता है। लेकिन काफ़ी जगह तो क्या है, मोस्टली जगह ही अभी तो टेस्टिंग होती है, तो उस चीज़ का भी आप ध्यान रखें, तो इस कारण आपको हेपेटाइटिस जो जो हमने बातें बताई उससे हो सकता है, यानी कि आपको लीवर में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो आप हेपेटाइटिस टेस्ट ज़रूर करा लें। तो जो इसमें काफ़ी अलग अलग वो होते हैं वायरस, जैसे कि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए होता है, बी होता है, हेपेटाइटिस सी होता है, हेपेटाइटिस ई होता है, तो ये सारे हेपेटाइटिस के वायरस हैं जो आपको अलग अलग टेस्ट करा के तब कंफर्मेशन इसकी मिलती है। इसके लिए स्पेशल टेस्ट आपको जो कंफर्मेशन के लिए कराना है तो S116 इसका जो टेस्ट कोड है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन कंफर्मेशन, ये आप टेस्ट करा सकते हैं। लेकिन इससे भी आपको जो है पता चल जाएगा, जो हेपेटाइटिस बी का S056 वाला टेस्ट कोड है ये आप नियर बाई किसी भी लाल पतले ब्रांच में जाके करा सकते हैं। इसके लिए 2 ml हमें सैंपल चाहिए सीरम, यानी कि ब्लड का सैंपल चाहिए। रूम टेम्परेचर पर 2 घंटे के लिए रख सकते हैं, रेफ्रिजरेटर पर 2 वीक्स के लिए रख सकते हैं, फ्रोजन करके 2 वीक। ये हमने आपको बता ही दिया हेपेटाइटिस जो है। रिपोर्टिंग 11 बजे तक सैंपल देते हैं, रिपोर्ट सेम डे आपको मिल जाएगी। यूजेज इसके पढ़ सकते हैं आप, गैस्ट्रो जो आपके डॉक्टर हैं वो इसको एडवाइज करते हैं। डिजीज हमने बताया लीवर डिसऑर्डर, यानी कि लीवर की कोई प्रॉब्लम चल रही है आपको तो उसके लिए ये जो है टेस्ट कराया जाता है। इसका जो प्राइस इसमें दिया नहीं हुआ है, प्राइस इसका अप्रोक्स 500 से 550 के आसपास है। लोकेशन वाइज कुछ वेरी कर सकता है, कुछ लोकेशन पे कम है, कुछ पे थोड़ा ज़्यादा है, तो लोकेशन वाइज जो है प्राइस थोड़े से हर जगह चेंजमेंट मिलते हैं। आप इसको वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं, www.lalpathlab.com पे जाके इसकी पूरी डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं। प्री टेस्ट इन्फॉर्मेशन, इसके लिए स्पेशल प्रिकॉशन कुछ नहीं है, आप किसी भी टाइम कभी भी जाके ये टेस्ट जो है करा सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको फास्टिंग जाना है, नॉन फास्टिंग जाना है, आप कभी भी जाके जो है ये टेस्ट करा सकते हैं।